भाजपा की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी कैडर बेस्ट पार्टी बनने जा रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रिसर्च के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस को कैडर बेस्ट बनाने के लिए 5 साल का प्लान तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई और लोकसभा चुनाव में मतदान तक का सफर कैसा और क्यों रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर बारीकी से अध्ययन कर चुकी है, जिसका परिणाम यह निकला है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी बीजेपी की तर्ज पर कैडर बेस्ड पार्टी बनना होगा। पीसीसी ने यह फार्मूला लागू करने के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस का कैडर बेस्ड होना जरूरी है। जिन राज्यों में कैडर बेस्ड दल है वहां बीजेपी घुसपैठ नहीं कर पा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी कैडर बेस्ड दल बनाया जाएगा। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां जहां कैडर बेस्ड पार्टी है वहां बीजेपी घुस नहीं पाती है। कहां घुस पाती है? दक्षिण भारत में सब कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां एंट्री नहीं मिलती बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कैडर है, कट्टर, वहां नहीं घुस पाती है बीजेपी। और जो क्षेत्रीय दल है रीजनल पार्टी में, उनके भी बहुत बहुत सशक्त कैडर है, बहुत बहुत ट्रेंड कैडर है उनके पास, वहां नहीं घुस पाती बीजेपी। तो हमें भी जो उत्तर भारत में जो एक मैस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमें कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करना पड़ेगा, तब जाके हम बीजेपी को काउंटर कर पाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।